तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन को कैसे अपने लैपटॉप के ऊपर कास्ट कर सकते हैं। मतलब कि अपने मोबाइल स्क्रीन को आप कैसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप के साथ कनेक्ट है। मतलब कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ भी करूंगा तो वो मेरे लैपटॉप के ऊपर शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से कट करके और जाके मैं यहाँ पे अपने फेसबुक को खोल लेता हूँ तो मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी फेसबुक खुल जाएगा। अब इससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो आपको बड़े स्क्रीन पे गेमिंग खेलने में मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो आप अपने मोबाइल के अंदर मूवी चला के और उसे आप अपने लैपटॉप के ऊपर कास्ट करके आप मूवी को भी इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं तो आप अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के अंदर आ जाना है। उसके बाद जाके इसमें कुछ आपको सेटिंग करना है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च बार में आके यहाँ पे सर्च कर लीजिए सेटिंग। उसके बाद सेटिंग को खोल लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने सेटिंग को यहाँ पे खोल लेना है, ठीक है। जैसे आप अपना सेटिंग खोलेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम नाम का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सिस्टम के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीजें ऑफ हैं, ठीक है। मतलब कि इनका यूज आप नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको प्रोजेक्ट करना है अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप के ऊपर। तो इसके लिए आपको एक यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वायरलेस डिस्प्ले। तो आपको क्या करना है, ऑप्शनल फीचर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड है वो सब आपको शो हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले नाम का एक और एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि एड ए फीचर के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक सर्च बार मिलेगा। इस सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है वायरलेस, ठीक है। जैसे आप वायरलेस बस लिखेंगे, यहाँ पे बस मैंने वायर ही लिखा तो यहाँ पे वायरलेस डिस्प्ले आ गया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसे चेक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपका जो ये एप्लीकेशन है वायरलेस डिस्प्ले, ये यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन था वायरलेस डिस्प्ले, वो कम्प्लीटली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखाई भी देने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा वायरलेस डिस्प्ले, तो आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल फीचर के अंदर ये दिखाई देने लगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। तो बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है एबीएबल एवरीवेयर, ठीक है। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर आना है और यहां पे आपको क्लिक करके फर्स्ट टाइम ओनली के ऊपर क्लिक करके इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको नेवर ही रहने देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इतना करने के बाद आपको लॉन्च द कनेक्ट ऐप टू प्रोजेक्ट टू दिस पीसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपको यहां पे एक आपके डेस्कटॉप का नाम शो हो जाएगा। अब देखिए, इतना आपके लैपटॉप में जो भी सेटिंग था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अपने मोबाइल के अंदर भी हम कुछ सेटिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपको अपने मोबाइल के अंदर क्या सेटिंग करना है। तो देखिए, ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने नोटिफिकेशन बार को यहां पे खोल लेना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब देखिए आपका मोबाइल जो वाईफाई से कनेक्ट है उसी वाईफाई से आपका लैपटॉप भी कनेक्ट होना चाहिए। यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल है वो एमएचआरडी वाईफाई से कनेक्ट है और जो मेरा लैपटॉप है वो भी इसी वाईफाई से कनेक्ट है। तो अपने नोटिफिकेशन बार को खोलने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन आपके मोबाइल फोन में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, कास्ट का, या कभी कभी यहाँ पे आपको लिख मिल सकता है स्क्रीन कास्ट, या कभी कभी आपको मल्टीपल कास्ट यहाँ पे लिखा मिल सकता है। तो अभी मेरा रेडमी का ये फोन है तो आपको कास्ट ऐसे लिखा मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए जो भी ये डिवाइस का नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं और इसके अंदर भी सेम नाम आ गया है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहां पे कनेक्ट हो गया है, मेरा यहां पे फोन का नाम आ गया है, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फोन का स्क्रीन है वो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होना चालू हो गया है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा मोबाइल स्क्रीन है वो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर कास्ट हो गया है, मतलब कि कनेक्ट हो गया है। अब देखिए जो भी चीजें मैं अपने मोबाइल के ऊपर कर रहा है सेम चीजें मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर भी हो रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।